सवाल नंबर है हमारा पांचवा। बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली वह अनुपात याद कीजिए, क्या पूछ लिया इन संख्याओं से, जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाला रेखा। तो पहले बिंदु के कितना है ए कॉमा माइनस, बिंदु बी कितना है को मिलाने वाला रेखा फाइंड किया है, ठीक। अब वो अनुपात याद कीजिए जिसमें ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है, किससे विभाजित होता है एक्स अक्ष से। अब ऐसे समझो कि अगर आप इसे ऐसे बनाते तो ए कॉमा माइनस पांच यहाँ था और माइनस चार कॉमा पांच माइनस चार इधर पांच ऊपर यहाँ था, तो जब इन दोनों को मिलाते तो ये कहाँ काटता इसको एक्स, और ये वाला अनुपात हमने हमसे पूछा, तो हम ज्यामितीय रचना तो नहीं करेंगे, हम ग्राफ पे लगा रहे हैं, हम ये मान लेंगे कि हमने ए और बी को मिलाया तो ये आया बिंदु बी जो कहाँ स्थित था एक्स। इसे ये तो ए और बी को मिलाओगे तो कहीं ना कहीं कहाँ काटेगा, तो आपको पूरा डिजाइन बनाने की जरूरत है। आप मान लीजिए सीधी रेखा बना के कि बिंदु बी ऐसा है जो कहाँ स्थित है माना रेखा खंड ए बी था और ये था ए बी तथा एक्स अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु कौन है ये। इन सवालों को समझने में ये दिक्कत आती है, हम इन सवालों की महिमा क्या है इसका समझ नहीं पाते, कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। ये हमसे ये बात कहना चाह रहा है एक बिंदु है दूसरा बिंदु दोनों को जोड़ोगे कहाँ काटेगा एक्स, तो हमने मान लिया कि बिंदु पी कहाँ स्थित है एक्स अक्ष पर। अब आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि बिंदु पी कहाँ पर है और एक्स अक्ष पर जो बिंदु होता है उसमें क्या खास बात होती है, उनका वाई कैसा होता है जीरो, एक्स कुछ भी हो मूल बिंदु से एक्स अक्ष पे चल रहे हो, कल बताया था तो क्षैतिज चलते हैं तो एक्स बढ़ता घटता है और जब ऊर्ध्वाधर चलते हैं तो वाई बढ़ता है। अब आप जब क्षैतिज चले मूल बिंदु से एक्स अक्ष के अनुदेश तो वाई पर तो चले ही, तो वाई कैसा रहेगा माना बिंदु पी का निर्देशांक क्या माने बताओ, बिल्कुल एक्स कॉमा जीरो ए कॉमा जीरो कुछ भी मान, और ये वाई एक्स कहता तो जीरो कॉमा, ये आपका उदाहरण नंबर 9 है जिसको आप करोगे इसी आधार पर, उसमें वाई एक्स पर बिंदु कह दिया है तो ये पी बिंदु कैसा हो जाएगा जीरो कॉमा वाई हो जाएगा। आगे दिमाग में बात, अब ये बिंदु हमने मान लिया कितना एक्स, और हमें निकाल रहा है अनुपात, किसका अनुपात ए बी अनुपात पी बी, हमें ए पी अनुपात पी बी ज्ञात, कुछ मान लें ए पी अनुपात पी बी को है ना माना, तथा बिंदु तथा बिंदु पी किसे ए बी को के अनुपात एक में, कुछ बच्चे के अनुपात एक से करते हैं इसे, कुछ बच्चे एम अनुपात एक से, एम अनुपात एम अनुपात एन, एन अनुपात एन से भी उत्तर आया था, के अनुपात एक से भी उत्तर आया, बात सुना रही है। तो पहले मैं ऐसा करता हूँ एम अनुपात एन से निकाल कर दिखाता हूँ, तो यानी ये एम हो गया और ये अब क्या लिखेंगे सूत्र द्वारा, इसका निर्देशांक पी का क्या आएगा बताओ, इधर का अनुपात हुआ इधर का एक्स, यही तो आता है पी का निर्देशांक, इधर का अनुपात हुआ इधर का एक्स कितना गया माइनस का चार एम, इधर का अनुपात हुआ इधर का एक्स प्लस एन बटे अनुपात का योग एन, बाय निर्देशांक कैसा आएगा अनुपात हुआ बाय निर्देशांक पांच एम प्लस ये अनुपात हुआ ये माइनस का बटे अनुपात का, और पी का निर्देशांक को हमने मान लिया कितना, पी का निर्देशांक एक्स कॉमा जीरो,
और दोनों पाँच एन बिल्कुल पाँच एन माइनस का पाँच नहीं सही तो है इधर का अनुपात होना चाहिए पाँच एन माइनस पाँच अब क्योंकि ये भी बिंदु P का निर्देशांक और बिंदु P का निर्देशांक हमने कितना माना था जब एक ही बिंदु के दो निर्देशांक हैं तो वो आपस में कैसे होंगे संपाती बराबर नहीं होंगे कैसे होंगे ये समझ में आ गया होगा संपाती को कह रहा हूँ तो समझाया था देखो ये तो हमें पता ही नहीं ये तो पता ही नहीं लेकिन जीरो पता है तो x x के बराबर रखो और y यहाँ से हमें पता लगा कि x बराबर होगा माइनस चार एन प्लस जीरो बराबर इसका तो कुछ हो नहीं सकता ये जीरो वाला जो है हो सकता है इसको लिख लो पाँच एम माइनस पाँच एन बटे एम प्लस एन बराबर ये आ गया पाँच एम माइनस पाँच एन बराबर जीरो गुणा एम प्लस एन क्योंकि एम प्लस एन इधर भाग कर रहा है या क्या करेगा और जीरो को पिछले से गुणा कर दो कितना आया पाँच एम और ये माइनस का पाँच एम इधर जाकर प्लस हो जाएगा जीरो में किसी को भी जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता एम बराबर कितना आ गया पाँच एन बटे पाँच पाँच कम पाँच ये आ गया एन एम बराबर इसका मतलब क्या हुआ एम बटे एन बराबर एक गुणा एक लिखो इसकी गुणा में कोई नहीं उसकी गुणा में एक होता है क्यों दो एकम दो चार एकम चार और कोई संख्या और को बताओ जिसकी किसी संख्या से गुणा करने पर वही आती है एक ही है जिसमें कुछ गुणा नहीं हो रहा कितना गुणा करते हैं एक एन बटे में आ गया तो एम बटे एन कितना हो गया एक आप इसे बटे एक लिख के एक लिख दो यहाँ से क्या पता लगा अर्थात एक्स अक्ष किसे रेखाखंड ए बी को कितने अनुपात में बैठी है बात समझ आ गई कभी कभी इस सवाल को थोड़ा सा बढ़ा देता और वो कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए उस बिंदु के जो रेखाखंड ए बी तथा एक्स अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु है घुमा के कहा उसने कि एक बिंदु ए है एक बी है अगर आप ए और बी को मिलाते हो तो वो एक्स अक्ष को जिस बिंदु पे काटते हैं उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात या आप दो बिंदुओं को मिलाते हो उन दो बिंदुओं को मिलाने से जो रेखाखंड आया वो अगर x अक्ष को जिस बिंदु पे काटता है उस बिंदु के निर्देशांक जैसे ये है हमारा ये हुआ ना ये x अक्ष है और ये अब बिंदु यहाँ और यहाँ हो सकता है अगर बिंदु ऐसे है तो भी देखो ये x अक्ष को काटेगा काट रहा है ऐसे है तो भी काटेगा क्यों यहाँ पर है तो भी काटेगा और जो एक्स एक्स को काट रहा है वो वाई को भी काट रहा है क्यों लाल वाला पेन रेखाखंड है ये यहाँ भी काट रहा है वाई एक्स को भी काट रहा है तो वाई एक्स को जहाँ काट रहा है ये वाला बिंदु भी ज्ञात हो सकता है और ये वाला बिंदु भी ज्ञात वो आपसे ये अनुपात भी पूछ सकता है ये वाला और ये वाला अनुपात बताओ या ये भी कह सकता है ये वाला बिंदु ज्ञात करो मान लो उसने कह दिया कि ये वाला बिंदु ज्ञात करो फिर तब क्या करेंगे देखो क्योंकि एम का मान कितना है क्या कर रहे हैं हम बिंदु पी क्या करने अगर उसने कहा है तो कभी कभी कह भी है कभी कभी नहीं भी कहता पूरा आप सवाल पढ़ोगे तो आपको अंदाजा लगेगा एम बराबर क्या है एन एक्स का मान कितना था माइनस फोर एम प्लस एन बटे यहाँ पे एम बराबर कर देना फोर एम प्लस एम बटे एम प्लस कितना हुआ माइनस थ्री एम बटे टू एम माइनस थ्री बटे यानी एक्स कॉमा जीरो किसके बराबर आ गया संपाति हो गया माइनस थ्री बटे दो कॉमा
इसका मतलब क्या हुआ कि बिंदु माइनस तीन बटे दो इसे देखा कर ए बी को कितने अनुपात में बांट रहा है, एक अनुपात विभाजित कर नोट कर।